कौन बच्चा रो रहा है? अरे किसने इसे इस गंदगी में डाल दिया यार? कौन लाकर यहाँ डाल दिया है बच्चों को? अरे पाप का जो ना गंदगी में ही जाएगा ना। बहुत मूसा आ रहा है। चलो चलो यार निकल लो। जच्चे बच्चे को वक्त पे दवा देते रहना। जी अच्छा। हवलदार बाई जी आपको बुला रही हैं। ये पैसे दे। बुलाया तुमने? रात मेरे घर बेटा पैदा हुआ। मुबारक हो। हवलदार तेरे जैसा नेक इंसान अगर अपने हाथ से इसके मुंह में गंगा जल डाल देगा तो ये बड़ा होके इंसान बनेगा। फिर कोई पंडित कर्मकांडी तो अपने दरवाजे पर आएगा नहीं, है ना? आएगा क्या? गंगा मैया, ओ बावन गंगा मैया, ओ निर्मल गंगा मैया, ओ मैया। खोलो 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 मुंह खोलो राजा बेटा। पीले 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 गंगा मैया, ओ बावन गंगा मैया। भला इंसान बनना। ये ममता के सहारे ही जिएगा या इसके सर पर हाथ रखने वाला कोई बाप भी है? इस बाजार में आने वालों का बाप होता है पर यहाँ जन्म लेने वालों का कोई बाप नहीं होता। उसे पाप माना जाता है। ये तेरी गोद में? मुझे तो ये नाली में पड़ा मिला। ये भी नहीं पता कि ये आया कहां से। अनाथालय छोड़कर आएगा इसे? जब हाथ लगा दिया है तो अनाथ कहां रहा ये? तो इसके मुंह में भी गंगा जल डाल दे ले। जिसे जन्म से ही नाली मिली हो उसे गंगा जल नसीब होगा या नहीं कुछ मालूम नहीं। पराए को गले लगाना आसान होता है पर अपनाना बहुत मुश्किल। सोचा तूने? क्या तेरी बीवी से कबूल करेगी? हरगिज नहीं। मैं इस गंदी नाली के कीड़े को कभी नहीं अपना सकती। इस निसुड्डे को जहां से उठाकर लाए हो ना वही फेंकाओ उसे। अरे ऐसे कैसे फेंकाऊं? जरा सोच, जानवर के बच्चे को भी कोई दरवाजे पर लाकर ठोकर नहीं मारता। तो फिर मुझे छोड़ना होगा तुम्हें हमेशा के लिए। न जाने किसकी जिस्म की गंदगी है तुम ही पाले इस हरामी को। हाँ अरे भाग्यवान संभाल अपने आप को। कितनी बार कहा कि बोझा मत उठाया कर और आज तुम ये बोझा जो उठा लाए हो इसे संभालना तो सारी जिंदगी भारी पड़ेगा मुझे। देख देख मेरी बात सुन। चाहे तू इसे इंसान भले मत मान पर इंसानियत के नाते इसे पाल जरूर ले। अरे दो रोटी में से आधी रोटी ये भी खा लेगा। और अपनी औलाद के मुंह में मिट्टी भर दोगे क्या? अगर कल जो मेरे बेटा हुआ तो उसका हक छीने सबसे पहले खड़ा होगा ये। और जो हुई बेटी तो उसे सीधे कोठे में बिठा देगा ये। देख मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। वादों के भरोसे खानदान नहीं चलते। मैं वादा करता हूँ ना तेरा हक छीनने दूंगा ना तेरी आने वाली औलाद पर आंच आने दूंगा। सपोले के साथ अपनी औलाद कोई नहीं पालता। मुझे जो फैसला करना था वो मैं कर चुकी हूँ। पूरे समाज के सामने छोड़कर जा रही है तो इसे अपने बाप के घर की विदाई समझना। अगर मैं मर भी गई तो आग देने मत आना तुम। तो फिर मेरी भी सुनती जा। मेरे मरने की खबर मिले तो कफन उठाकर मुंह देखने मत आना। मुंह में आग देने के लिए नाली का कीड़ा जो ले आए हो तुम्हारी यही आखिरी ख्वाहिश है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगी।
जरूर पूरा करूंगी। भाइयों, हम इस हरामी के पिल्ले को यहाँ नहीं रहने देंगे। अगर ये यहाँ रहेगा तो आपके बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? चल तू, अरे छोड़, बोल रही हूँ। ये ले 5 रुपया, इसी के लिए टैक्स लेने गया था ना तू? अरे तू कौन होता है लोगों को भड़काने वाला, परिवार तोड़ने वाला? चल हट। ए, मुझे मत हटा, मैं हट गई तो रोटी और शराब के लाले पड़ जाएंगे। मुझे 7 फेरे लगाकर यहाँ लाया था आसरा देने, और खुद मेरे सहारे जी रहा है। मैं चुप रहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानती नहीं तू 2-4 पैसे जो कमा के लाता है ना वो कहाँ से आते हैं। क्या तमाशा लगा रखा है, खुद के घर में तो बच्चा नहीं पैदा कर सका और दूसरे बच्चे का बसेरा छीनना चाहता है। जिसने चोंच दी है ना वो दाना भी देगा। बाद में दाना, पहले नाना। मेरा अच्छा बेटा, मेरा राजा बेटा, चलो 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 चलो, आज मेरा बेटा स्कूल जाएगा। अजय का मतलब जानते हो बेटे क्या होता है? अजय का मतलब होता है जिस पर विजय हासिल न की जा सके। चलो हवलदार, मेरे नाम से मेरे बेटे को स्कूल में दाखिला नहीं मिला, क्या तू इसे बाप का नाम देगा? तू क्या करेगी इसे पढ़ाकर? शिक्षा तो यहां इसे मिल जाएगी पर संस्कार कहां से लाकर देगी तू? इसके पैदा होते ही मैंने धंधा बंद कर दिया, सारी कोठरियां खाली करवा दी। क्या नाम रखा तूने अपने बेटे का? श्लोक। गजल, ठुमरी, दादरा सब गाया जाता है तेरे मोहल्ले में, जो कोई नहीं गाता वही नाम रखा अपने बेटे का श्लोक। चल आ बेटा। आज मैं अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत देख रही हूँ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषति मारुत। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती। अजय को घर में संस्कार तो मिले पर दोनों को स्कूल में दुत्कार। हमें डैडी ने बताया है ये लोग सड़क छाप बाजारू लड़के हैं। कमान यस यस। नफरत और हिकारत मिली, उन्होंने भगवान से समाज का प्यार और अपनापन मांगा लेकिन गालियां सहते रहे। श्लोक क्या जाने कि अजय उस ओर चल पड़ा जहां कोई उससे बाप का नाम पूछने वाला नहीं था। ताश की गड्डियां तो उतनी ही रही पर बच्चे जवान हो गए। श्लोक, अभी तो एग्जाम खत्म होने में 15 मिनट बाकी हैं। तुम चाहती तो रिवाइज कर सकते थे। सर, रिवीजन मैं कर चुका हूँ। I'm sure of what I've done. Oh, brilliant boy. Good. चल फेंकना यार। लेना। क्या करता है यार? कैसा रहा तुम्हारा आखिरी पेपर? जैसा पहला था। तुम्हारे प्यार की वजह से मेरी पढ़ाई तो छूटी, तुम MBA मैं BA। प्यार किसी पढ़ाई से कम है क्या? प्यार में तो तुम पास हो गए। पहले ये बताओ, MBA के बाद नौकरी करोगे या खुद का बिजनेस? रिजल्ट आते दोनों में से एक का फैसला करूंगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, मेरी घरवाली तुम ही बनोगी। अबे तो पहले इसे अपनी घरवाली बना ले। इसका धंधा चल पड़ा तो तुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ,
तुम लोगों की सस्ती जबान बंद करना अच्छी तरह से जानता हूं, पर तुम जैसे भड़भूजों पे हाथ उठाना मेरे उसूल के खिलाफ है। आज तक माफ करता हूं, फिर करता हूं। छोड़ो इन कुत्तों को, मुंह लगाओगे तो गुर्राएंगे, भोंकने दो इन्हें। ए, हम भोंकते ही नहीं काटते भी हैं। गलत जगह बयाना दे दी अंची मेरकी दासों ने। जो घायल हो गए, खून निकल आया, वो निर्दोष हो गए, और जो इंसाफ के लिए लड़ा वो हवालात में। कमाल का कानून है इंस्पेक्टर साहब, छेड़छाड़ और बदतमीजी की शुरुआत तो इन लोगों ने की थी। इतनी बड़ी धारा लगने के बाद तो मेरा बेटा क्रिमिनल बन जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इंस्पेक्टर साहब। तो क्या यही रिहा कर दे ताकि आगे चल के आराम से मर्डर कर सके है? हम अपने बच्चों का केस लड़ेंगे और हर हाल में सजा दिलवाएंगे। इंस्पेक्टर, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने साल की सजा होगी? कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल। दफा 307 का केस है। ये पैसे वाले लोग हैं इंस्पेक्टर साहब, फिर अदालत में भी तो रुपया ही चलता है। क्यों भाई, 307 में से 5 गए तो कितने बचे? 302। लेकिन तुम ये 5 का आंकड़ा क्यों पूछ रहे हो? हिसाब लगा रहा हूँ, तुम लोग 5 बार मार खाओगे और फिर 5 मर जाओगे, बचे 302। मुझ पर यही धारा लगेगी। हाँ बच्चे, दफा 302 तख्ती पर लिखकर हरे पेड़ पे टांग दो तो वो भी सूख जाता है। सच बोल दे, तुम लोगों ने जूते खाने वाली हरकत की थी या नहीं? मर्डर, कत्ल, खून, बापू, खून, पुलिस स्टेशन में। सजा तो उसको मिलेगी, मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। अगर आप लोग मेरे बेटे को माफ कर, कैसी तो? बात कर रहे हैं आप? आइए मैं आपको पूरा केस समझाता हूँ। आइए आइए, बच्चों की लड़ाई में हम बड़ों का क्या काम। इंस्पेक्टर साहब, भूल हमारी थी, हमने अपनी दीदी को छेड़ा। हमें ये केस नहीं लड़ना है, हम अपना केस वापस लेते हैं। Get lost. चलो बच्चों चलो, जान है तो जहान है। थैंक यू इंस्पेक्टर। अजय, रिटायर्ड पुलिस वाले के बेटे हो, इसलिए हमदर्दी के नाते पूछ रहा हूं, कानून अपने हाथ में क्यों लेते? तुम्हारा नाम क्या है इंस्पेक्टर? नीलकंठ सिंह। नाम नीलकंठ, पर तुमने वो जहर नहीं पिया जो मेरे रग रग में भरा है। कैसा जहर? कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे माता पिता। फिर तुम नहीं समझोगे, फिलहाल इतना ही काफी होगा कि मैं हवलदार का बेटा नहीं हूं। मारपीट करने से कैसे लोग हमें गाली देना छोड़ देंगे? गलती हो गई, इस बार लात से नहीं जान से मार दूंगा। ताकि तू जिंदगी भर जेल में गुजारे और मैं उम्र भर वहां के चक्कर काटता रहूं, है ना? देख,
ना मैंने तुझे यहाँ बुलाया था ना जेल में बुलाऊंगा। वो लोग पढ़े लिखे तमीज़दार लोग हैं, उनके पास जा, मेरे चक्कर में पड़ने की तुझे कोई जरूरत नहीं। खुद से हर कोई रूठा है, कुछ सच्चा कुछ झूठा है। खुद से हर कोई रूठा है, कुछ सच्चा कुछ झूठा है। दुनिया में है तुम और हम, दुनिया में है तुम और हम, इतनी खुशियाँ क्या है कम। जीवन की है ये तो गलियां, छोड़ो कांटे चल लो गलियां। झुम्मा चिका 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 झुम्मा चिका हूँ, झुम्मा चिका 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 झुम्मा चिका हूँ। अपनों से जो रहते हैं जुड़ के, उनके दिल कब टूटे हैं। अरे अपनों से जो रहते हैं जुड़ के, उनके दिल कब टूटे हैं। सच्चे रिश्ते प्यार के रिश्ते, सच्चे रिश्ते प्यार के रिश्ते, बाकी रिश्ते झूठे हैं। हो जीवन की है ये तो गलियां, छोड़ो कांटे चल लो गलियां। झुम्मा चिका 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 झुम्मा चिका हूँ, झुम्मा चिका 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 झुम्मा चिका हूँ। Thank you.
मैं पूछूंगा तेरे मेडल कहाँ गए, तू कहेगा कोई ले गया दे जाएगा, पर सच तो यह है कि तूने मेरी जमानत के लिए अपने मेडल बेच दिए। देश लोग, उन लोगों ने केस तो वापस ले लिया है, पर तू अपने बिके मेडल वापस नहीं ला पाएगा। सारी मेहनत लुटा दी, आखिर तू साबित क्या करना? अरे मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता यार, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। और तूने भी इसे रोका नहीं? मैं भला क्यों रोकती, और कम पड़ते तो अपने जेवर भी दे देती। जेवर तमगे सोना चांदी बेटे से बढ़कर होते हैं क्या? देख लो की माँ, मुझे बेटा बेटा मत कहा कर, सब जानते हैं ना मेरा किसी से कोई रिश्ता है और ना ही मैं किसी रिश्ते को मानता हूँ। ठीक है, तू दुनिया में पुकारे जाने वाले रिश्तों को नहीं मानता, मान लिया, लेकिन क्या तेरा मेरा संबंध भी कोई मायने नहीं रखता? रखता होगा, उसी की लाज बचाने के लिए तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। सर ने दिया हो तो मुझे वही हवालात में, जेल जो जाते हैं वही मरने जाते हैं, और अगर मर भी जाते हैं तो कौन सा नया कर्तव्य दिखा जाते हैं, जिसने जन्म लिया वो तो मरेगा ही। अजय, देख अजय तुझे कोई बुला रहा है। सुन लिया, कोई बहरा नहीं हूं। तो देख तो सही कौन है। उफ, कितनी गंदी कमीज है, ला मुझे दे मैं धो दूंगी, कभी नहाता है कि नहीं? देख लो की माँ, पहले नहलाए दाई, फिर नहलाए चार भाई, सिर्फ दो ही बार नहाता है आदमी। हे राम, तुझे इक्का सेठ ने याद किया है। तो मैं क्या करूं, उसकी आदर्श तो मैं छीन नहीं सकता। अजय, तुझे बुलाया इक्का सेठ ने। घर में झगड़ा चल रहा है, पुलिस से निपट लो, समय मिला तो आऊंगा, बोल देना। चल बड़ा गाड़ी। देख लो की माँ, मेरी बात तो सुन। एक कर सुन, तेरे बेटे ने मुझ पर डाल दिया जो मैंने मांगा तक नहीं था। अरे तू क्यों पड़ा मां के पीछे, मैंने इसे फर्ज समझा, तूने कर्ज, मैंने फर्ज पूरा किया, तू कर्ज चुका देना, ठीक है? अभी झगड़ा तो छोड़। अच्छा कौन थे वो लोग? थे गुलाम इक्का के। इन मोहल्लों में हमारे थूक से चराग जलते और बुझते हैं, और इक्का सेठ एक तारीख को बोटी बांटता है मंत्री। कैसा मंत्री, कहां का मंत्री इक्का सेठ? नेक चलनी की वजह से ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों ने निकाल दिया। अब तो आपके बाजार वाले भी हमें पराया नहीं समझते हैं। पराया तो तुम्हें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन भी नहीं मानती, इसीलिए हमारे और उनके बीच तुम दलाल बन गए हो। रुपयों का एक बैग रूलिंग पार्टी के लिए और दूसरा अपोजिशन के लिए। ना कोई आवाज उठाएगा, ना वो समस्या मानी जाएगी। सांप नाथ है या नागनाथ, सरकार की कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो खाएगा रुपया, बकेगा रुपया। कमिश्नर, रुपयों का ये बैग आपके लिए, ताकि हथकड़ी हमसे दूर रहे और कानून हमारी रक्षा करे। पुलिस जिसका खाती है उसी की रक्षा करती है। माई बाप, चल चल। जय हो भगवान, जय हो दानी। दुल्हन देख क्या रही हूं, पांव छुओ इक्का सेठ के, पांव छुओ, चलो। सदा जवान रहो, पतियों नहाओ, धंधा फले फूले। जी, दुल्हन को ऊपर के कमरे में ठहराओ, चलो। और आप? अरे पति की आज्ञा नहीं चलते, जाओ चलो जाओ जाओ। अबे हट हट, चला पीछे। सरकार, वो घर की इज्जत तो मैंने आपको दे दी, मगर उसका दहेज, मेरा मतलब है उसके सेवर, तो कल तेरे घर पहुंच जाएंगे। हाँ, तो चलूं, परसों एक और शादी है ना मेरी। जाओ। हाँ, जय भगवान। चल। अरे सरजू, ये ले तेरे 500 रुपए, परसों आ जाना गवाही देने। दाने से गुजारा नहीं होता मेरा, मुझे तो गोदाम चाहिए। अच्छा, उसके लिए दिमाग चाहिए, चल। हाँ। इक्का सेठ अजय आ रहा है। चौसा, चल पत्ते बांट।
तेरी बड़ी तमन्ना मुझसे मिलने की इक्का सेठ। आओ आओ अजय, पत्ते खेलोगे? जुआ में खेलता नहीं, शराब चाय नाश्ता खाना पूछने की जरूरत नहीं, मुद्दे की बात करो। भाई सुना है कि 10-20 लौंडों को तुम पत्तों की तरह फेंट देते हो। तो बहादुर और दिलेर लोगों के लिए मेरे घर और दिल दोनों के दरवाजे खुले रहते हैं, वो भी मुंह मांगे दाम पे। गुलामी करने का मुझे कोई शौक नहीं इक्का सेठ। फिर तेरे पास चमचे करछी और ढक्कनों की कमी पड़ गई है क्या? कमी तो किसी चीज की नहीं है इक्का सेठ। तू अपने घर का राजा भला, तो मैं अपने घर का फकीर। अगर राजा को किसी चीज की कमी नहीं तो फकीर भी किसी के दरवाजे का कुत्ता नहीं बनता। इक्का सेठ की बात ना मानने का नतीजा जानते हो? मौत। कसाई के मनाने से पंडित की गाय नहीं मरती चौसा। इक्का सेठ, तन पे जितने कपड़े हैं उसी को मैं अपना कफन मान के चलता हूँ, चलता हूँ। सुना है कि 52 पत्तों की भी बड़ी जानकारी है तुझे। चौसा तेरा प्यादा है, इसलिए तुझे 3 बादशाह दिए हैं। जिसकी ईंट से तेरा यह महल खड़ा है, उस मंत्री को ईंट के पत्ते, इक्का दुक्की तिक्की, पुलिस वाले को 3 गुलाम, चौथे चिड़ी मार को 3 छक्के और चौसा खुद 8 दुक्की और पंजा लेकर तुम लोगों का पंजा आपस में भिड़ा रहा है। देखें तो सही क्या पत्ते हैं। वाह, हमारे काम का पत्तेबाज है। इसे उठा लूं इक्का सेठ। अबू ठिकाना 99 लोगों को ठिकाने लगा चुका है जनाब, मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। अब ये बारूद है, इसके पास बैठकर चिंगारी मत उड़ाना, इसे किसी की परवाह नहीं। ऐसा आदमी जब वफादार बनता है तो पूरी फौज पे भारी पड़ता है। अवलदार, इक्का सेठ के अलग ही लगाए जुआरी की नौकरी छोड़ के आ रहा हूं। जुआरी ना सही, कम से कम मुस्टंडे की नौकरी तो पक्की थी। इससे पहले कोई मुसीबत आए तू इस पे जल्दी से साइन कर दे। फिर नई नौकरी? इस बार शांता ताई लगवा रही है, लोगों की सेवा करेगा तो पुण्य कमाएगा। प्यार अपाहिज कर देता है, ये तो तूने साबित कर दिया। किताब उठाने की उम्र में तूने ताश उठा ली, पर मैं चुप रहा। मैं जानता हूं मारपीट से गुनाहगार नहीं सुधरते, तो बच्चा क्या सुधरेगा। पर देख, तूने मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई है कि जुआ खेलेगा तो सिर्फ मेरे साथ, बाहर कहीं नहीं। हवलदार, तेरी पेंशन से एक वक्त 4 रोटियां पकती हैं। जो जीतता है वो खाता है, जो हारता वो भूखा जागता है। आज तू भूखा जागने वाला है। ये मेरी 1 रोटी की बोट। और ये रही मेरी बोट, ये मेरी चाल। शो। इससे बड़े पत्ते देखा नहीं तो आज रात भूखा सोना पड़ेगा। चलो अवलदार, तू जीता। रामजादा आज फिर जानबूझकर हार के चला गया। मां खाना लगा दे, आज आ गया हार के। आज बड़ी देर हो गई तुझे, कहीं तू इक्की के दरवाजे पर तो नहीं गया? मौत बुलाए तो उसके दरवाजे पर चला जाऊं, टके टके में बिकते इक्के। ना आ जाए कभी मत जाना वहां, इन कर्मचलों की नजर बड़ी पैनी है, जिस पर इनकी नजर पड़ जाए उसे बाजार में लाकर बिठा देते हैं। वो क्या खाकर मुझे बाजार में बैठाएगा, नाल टूट दूंगा उसकी। और अब तो मेरी नौकरी भी लगने वाली है। ए राम, तू चुप रह, मैं भगवान की पूजा करूंगी ताकि ये नौकरी तो जमके करे। अपने किसी गरीब भगवान से बात करना श्लोक की माँ, बड़े भगवानों पर आजकल अमीरों ने कब्जा कर लिया है। मन्नत मांगी है, मूर्ति से फूल भी गिरा है, ऐसी नौकरी होगी कि लोग खुश हो जाएंगे। तो माँ, आपके झगड़ा भगवान और नौकरी में है ना? तुम दोनों झगड़ा करो, मैं चला काम पे।
नौकरी का पहला दिन है तेरा, वैसे भी आदमी डरा रहता है, पर अजय 8 घंटे मुर्दों में रहना पड़ेगा तुझे, डर तो नहीं लगेगा ना? मुर्दों से तो उनके घर वाले डरते हैं, 8 मिनट में ले जाकर फूंक देते हैं, दफना देते हैं। मुर्दा मेरा कौन सा रिश्तेदार लगता है? शाबाश, सीधा जा मां। इस मुर्दे का टोल टैक्स आ गया है, पर्ची दे दो, गाड़ी पास कर दूं। हाँ हाँ ठीक है, बॉडी ले चेक कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ए सुनो, तुम नए आए हो, इन मुर्दों का पोस्टमार्टम हो चुका है, इनकी बॉडी और रिपोर्ट तब देना जब हमें टैक्स मिलेगा। टैक्स का मतलब इन मुर्दों की कीमत, समझ गए ना? और सुन, इसके साथ जा और बाहर देख इनमें से किसका रिश्तेदार आया हुआ है। अरे मदद कर दे, मेरा बच्चा मुझे दिला दे। मेरा बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया, 3 मिनट में मर गया, उसकी मिट्टी यहाँ 3 दिन से खराब हो रही है, उनको देने के लिए मैं 1000 रुपए कहाँ से लाऊं? तू मेरी मदद कर दे, दिला दे उसकी लाश, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। सारी लाशें उनके घर वालों को दे दो। रुपया मिला? हाँ, लड़का एक्सपीरियंस लगता है, परमानेंट कर देंगे। गुड, ले जाओ ले जाओ, सारी बॉडीज ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद किया? एक मुर्दे का कितना? 500 रुपया। कितना? 500 रुपया। हजार हजार पड़ेगी छड़ी। अब मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा, पूरी दुनिया रंडी खाना बन चुकी है, कहीं जिंदों को बेचा जा रहा है तो कहीं मुर्दे बिक रहे हैं। रिश्वत को किसी जमाने में बुरा माना जाता था अजय, अब रिश्वत ना दो तो बुरा माना जाता है, हर पेशा बाजारू हो गया है। पढ़ाई का बोझ, किताबों का बोझ। अजय इसी बहाने तुझे बोझा उठाने का काम तो मिल गया। यार मैं तो थक गया भाई साहब, हिसाब लगाना। कितने पन्ने हैं तेरी इन किताबों में? मैंने तो कभी गिने नहीं, लेकिन ये सवाल आज तू क्यों पूछ रहा है? तुझे आज तक नहीं मालूम कितने पन्ने हैं तेरी इन किताबों में? मुझे देख, सिर्फ एक किताब पढ़ी है जिसमें 52 पन्ने हैं। हे राम। यार तुझे चीखने की आवाज नहीं सुनाई देती? मैं उन रिश्तों को जानता ही नहीं जिसमें चीखने की आवाज सुनाई दे, पर मुझे तो सुनाई देती। वो इसलिए कि 4 किताबें तूने पढ़ ली हैं। किताबी रिश्तों का इस चीख से कोई रिश्ता नहीं। हाँ, माँ का प्यार और दुलार तुझे मिला है, इसलिए एक कान से सुन दूसरे कान से बाहर निकाल दे। मेरा तो जी करता है इन कमीनों को जिंदा फूंक दो। तो फूंक दे, रोका किसने? माँ का ख्याल आता है तो रुक जाता हूँ, उसकी तपस्या पर पानी फिर जाएगा। तो फिर एक ही रिश्ते को कायदे से निभा ले, समझ लेना सबका कल्याण हो गया। यहाँ पे कौन कौन से रिश्ते बिकते हैं इसका लेखा तेरे भगवान लिखने लगे तो इस दुनिया से रिश्ता नाम का लफ्ज़ ही मिट जाएगा। जय राम जी की हुजूर, चांद का टुकड़ा तोड़ के लाया हूँ, एक नजर देख लीजिए। सगी भांजी है मेरी, इधर ये जवान हुई, उधर बहन मरी, सहारा मैंने दे दिया, सेवा आपकी करेगी हुजूर। ले जाइए सरकार, सारे जुल्म इत्मीनान से सहलेगी, गूंगी है।
चल छोड़, चल तो सही, तुझे सोने के पिंजरे में रखेंगे हम लोग। सरकारी नाम। वाह सरयू वाह, चल बोटी उठा और चलता बन। सरकार, पराई के 5,000 होते हैं, सगे खून के तो 50,000 मिलने चाहिए ना। बहादुरों को रुपयों से तौल देता इक्का, कम सिर्फ मुंह खोलने वालों की जान ले लेता इक्का। हलिया बाबू, ठिकाने लगा दो इसे, संभाल के मुर्दा है। हिलना मत, अजदम, तुम सालों की मुझे बहुत दिनों से तलाश थी, फांसी के फंदे पर लटकवा दूंगा। थानेदार ने गिरफ्तार कर लिया, गुलाटी को खबर कर दो। इंस्पेक्टर, अभी मेरी सेंचुरी बाकी है। वी वांट सेंचुरी, वी वांट सेंचुरी। जैक, हाय जैक, गुलाटी। बेटा, मैं बचा लो। तुमने अब्बू और उसके आदमियों को अंदर किया है। मैं तुम्हारे माँ बाप को बाहर ले आया हूँ, अपने साथ और अपने पास। यू बास्टर्ड, आई विल किल यू। जितने जख्म मेरे आदमियों के शरीर पर होंगे, उतने ही जख्म तुम्हारे माँ बाप के बदन पर होंगे। कुछ भी नहीं करेगा तू मेरे माँ बाप को, हाथ नहीं लगाएगा तू। नहीं, कुछ नहीं करूंगा मैं, कुछ नहीं। तुम्हारे बाबा और मेरे आदमियों के बीच अदला बदली होगी, कल होगी कल। समय और जगह मैं मुकर्रर करूंगा। कोई मेरे साथ नहीं आएगा और ना ही कोई मेरे पीछे आएगा। मुझे इन गुंडों से निपटने के लिए किसी फौज की जरूरत नहीं है। वाकई गुंडों से निपटने के लिए फौज के नहीं हिम्मत की जरूरत पड़ती है, जो वर्दी बांटते समय सरकार नहीं देती। मुझे यह जंग लड़ने के लिए तुम्हारे जैसे लोगों से हिम्मत उधार लेने की जरूरत नहीं है। इस वर्दी की इज्जत और ताकत का अंदाजा तुम जैसे लोग लगा ही नहीं सकते। हर इंसान को इसकी इज्जत और ताकत का अंदाजा है, हर शरीफ आदमी इस वर्दी से डरता है। अगर मेहमान बनकर भी तुम लोग किसी के दरवाजे पर पहुंच जाओ तो महीनों पूरा मोहल्ला उसे गुनहगार की नजर से देखता है। से तुम हमारे आदमियों को इधर भेज दो, इधर से हम तुम्हारे मां बाप को उधर भेज देते हैं। Go!
नहीं, इसे गोली मत मारो, सारा पुलिस डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन हो जाएगा, समझे? कुचल दो इसे, कुचल डालो! जैक मत कर, सारे तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं बैक, जैक, अब्बू, अगर मेरे माँबाप को कुछ हुआ ना सच, मुझे खून पसंद है, मुझे खून पसंद है, ये ठिकाने, वो ठिकाने, मेरी सेंचुरी पूरी। गाने लग गया, सेंचुरी पूरी हो गई। तुमने हम सबकी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, ये हम कभी नहीं भूल सकते। उपकार एहसान याद रखने का चलन अब खत्म हो गया है, जमाने के साथ चलिए, कहां किससे कहानियों की दुनिया में भटक रहे हैं। लगता है जिंदगी को तुमने बहुत करीब से देखा है, धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने तुम जैसे बेटे को जन्म दिया। उन दो जिंदा लाशों को धन्य मत बनाइए, वरना हर माँ अपने बच्चे को दूध की जगह नाली का पानी पिलाएगी। अजय, अजय ने तुम्हारे बारे में मालूम नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं तुम्हें पहचानने लगा हूं। मेरी तो खुद की कोई पहचान नहीं इंस्पेक्टर, और ना मैं अपनी कोई पहचान बनाना चाहता हूं। जो हूं जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, विदा लेता हूं। ये हमारा कौन लगता है मां? कोई नहीं। हमारी जिंदगी बचाने के पीछे इसका क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं, ये किसी दूसरे युग का आदमी है जो गलत युग में पैदा हो गया है। पुलिस रिपोर्ट में इंस्पेक्टर नीलकंठ ने इस मुहिम में सिर्फ अपना नाम लिखा है, लेकिन दम तोड़ने से पहले ये गुंडे ने किसी दूसरे आदमी का भी जिक्र किया था। वो कोई और नहीं, अजय था। उनको मारकर अजय हमारा दुश्मन थोड़ा ही बना है, बल्कि हमारे और करीब आ गया है। यहां जितनी जगह खाली हुई हैं, सिर्फ एक अजय के आ जाने से पूरी हो जाएंगी। मैं उसे
अपने पिंजरे में रखूंगा। पता लग जाए कि यहां आने के तो हजारों रास्ते हैं, लेकिन भागने वाले को सीधा ऊपर जाना पड़ता है। हटो हटो, मर गई तू, तू भी मर गई। मेरे पति को मारा, वो पापी था। मैं नहीं रोई, मैं नहीं चिल्लाई, लेकिन मेरी भांजे का क्या कसूर था? क्यों मारा तुझे, क्यों मारा? मैं नहीं जानती इसे। सदमा पहुंचा बेचारी को, लगता है शांता ताई पागल हो गई है। नहीं, कौन है तू? Thank you.
नहीं है रंग जमा ले जाना ओ जाना तुरंत देना है बिना बात के क्यों रूठी है गले लगा ले जाना ओ जाना तुरंत देना तू आशिक है तू शौकीन है Hey, पूजा तुम यहां फिर वो ख्यालों में खोई हो क्या तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे साथ मौजूद थी इसी को तो प्यार कहते हैं पूजा बेटी ना मैं प्यार के खिलाफ हूं ना प्यार करने वालों के मगर जिस रिश्ते की शहर भर में नुमाइश हो वो मुझे पसंद नहीं कौन है वो किस खानदान का है वो उसके घर वालों से कहो मुझसे आके मिले ब्याह करेगा तू घर बसाएगा पर कहां बेटा इस बाजार में तो बहू को भी वेश्या समझा जाता है लोगों के समझने से क्या होता है मां तूने इसे घर की तरह सवार के रखा है दुनिया के कहने से कोठा तो नहीं बन जाएगा और तेरे कहने से घर भी नहीं हो जाएगा मैं इस सब कुछ बेचकर भी तुझे समाज में ले जाऊं तो भी तेरे आगे तेरी मां की पिछली जिंदगी होगी मैं वापस उस समाज में जाना चाहती हूं बेटा जहां से मैं इस दलदल में आई थी और ये तभी मुमकिन है जब तू उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां तुझे तेरी मां तो मिले पर देखने वालों को उसकी पिछली जिंदगी नजर ना आए मां मैं तुझे इस दलदल से निकालकर बाहर ले जाऊंगा पर इसका शादी के साथ क्या ताल्लुक है सही मायने में तो इसका ताल्लुक शादी से ही है बेटा क्या इज्जत करेगी तेरी बीवी जब राह चलता कोई मुस्टंडा उस पर फिक्रे कसेगा मौका मिलते ही उसकी कलाई पकड़ लेगा किस किस से लड़ेगा तू किससे लड़ने की बात कर रही श्लोक की मां देख अजय आज तू कुछ नहीं बोलेगा यह हमारा घरेलू मामला है एक ही घरेलू मामलों में पराया हो गया घर भले ही हमारे अलग अलग है पर बाप का नाम तो एक ही है बड़ा अपना बनता है ना तो समझा इस ना समझ को घर बसाना चाहता है ये दुनिया बसा रही है एक इसका भी बस जाएगा तो कौन सा आसमान फट जाएगा देखा मैं जानती थी कि तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो तू इसका पक्ष नहीं लेगा तो और कौन लेगा चल तेरा पक्ष ले लेता हूँ तेरा भगवान करे तेरे बेटे का घर कभी ना बसे तू मेरा साथ दे रहा है कि मुझे बददुआएं दे रहा है कौन सी मां नहीं चाहती कि उसके बेटे का घर बसे चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाबा का कभी मना करती है कभी घर बसाना चाहती है मैं समझ गया कुल मिलाकर बाजी जीतना चाहती है तू आज नहीं तो कल तू महान लोगों की दुनिया में अपने बेटे के साथ चली जाएगी पर कहीं इसकी लैला इसके हाथ से निकल गई तो जिंदगी भर मजनू बनकर कुर्ते फाड़ते फिरेगा मेरी मान पहले इसके रिश्ते की बात पक्की कर ले रिश्ते की बात कर ले लड़की वालों को तो इस मोहल्ले में कभी नहीं बुलाऊंगी तो हम चले जाते हैं उनके मोहल्ले में हे राम जाति के हम लोग हवलदार हैं अक्सर ये जाति पुलिस और मिलिट्री में पाई जाती है पर आजकल बिना तीन फीते लगाए हमारे जैसे हवलदार भी मिलते हैं जैसे कि बचपन में बच्चा स्कूल नहीं भूलता वैसे ही जवानी में आदमी वो मोहल्ला नहीं भूलता जहां पर हम लोग खाते पीते सोते और पलते हैं वो कौन सा मोहल्ला है अजय साहब उतावले मत होइए अब आपकी उम्र नहीं रही वहां जाने की कमाटीपुरा ओह ब्लडी हेल मुझ में और श्लोक में सिर्फ एक ही फर्क है इसे अपनी मां का नाम मालूम है पर बाप का नहीं और मुझे दोनों में से किसी का पता नहीं आपकी बेटी और श्लोक एक दूसरे को चाहते हैं इसलिए मैं आपकी बेटी का हाथ श्लोक के लिए मांगने आया हूं क्या तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री के बारे में मेरी बेटी जानती है झूठ बोलने से दाग नहीं मिटते जेके साहब मैंने कोई बात आपकी बेटी से नहीं छुपाई कमाल का लड़का ढूंढा है हमारी बेटी ने कोई और गुण बचे हों अजय साहब तो वो भी बता दीजिए अब तो इसके गुण अखबारों में भी छपने लगे हैं ये देखिए श्लोक की तस्वीर टॉप्स इन एमबीए
ना ही गुमशुदा लोगों में और ना ही वांटेड में, पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया श्लोक ने। दौलत दान दहेज हमें चाहिए नहीं, क्योंकि लड़का बेचने का रिवाज नहीं हमारे यहाँ। आपकी बेटी इज्जत से रहेगी और शान से जिएगी। मैं आपकी हामी सुनने आया हूँ। इनकार कर देंगे तो मंदिर में शादी होगी, इकरार कर लेंगे तो घर में। वैसे मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। अगले जन्म में आप भी हमारे मोहल्ले में जन्म ले लीजिएगा। भूख जिल्लत और गालियां खाकर आप भी हिम्मतवर बन जाएंगे। अगले जन्म में क्यों, मैं तो इसी जन्म में ये सजा काट चुका हूं। कौन दयालु अनाथ आश्रम की सीढ़ियों तक मुझे छोड़ गया ये मुझे नहीं मालूम, मगर अपनी मेहनत और लगन की वजह से आज मैंने सोसाइटी में वो मुकाम बना लिया है जहां मुझसे मेरे घर या खानदान के बारे में कोई नहीं पूछता। श्लोक के लिए उस मुकाम तक पहुंचना आसान काम नहीं है। दुनिया में आना सबसे मुश्किल काम है जेके साहब, आप काम बताइए, आसान अपने आप हो जाएगा। ये एक नए प्रोजेक्ट का प्लान है, अप्रूव किया हुआ। ये अगर मैं श्लोक को दे देता हूं तो वो रातों रात करोड़पति बन सकता है। अच्छा, तो एक का पति बनने के लिए इसे करोड़पति बनना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि नौकरी करने वालों की आधी जिंदगी तो इज्जत बनाने में गुजर जाती है और आधी बचाने में, मगर मालिक मालिक होता है जिसके सामने नौकर और समाज सब झुकते हैं। बाद में तो वजन है, जरा प्लान का वजन भी समझा दीजिए। ये प्रोजेक्ट 5 करोड़ का है। 80% का लोन तो मैं तुम्हें बैंक से दिलवा दूंगा, तुम लोगों को सिर्फ 1 करोड़ का इंतजाम करना होगा। डैडी, ये तो आपने ऐसी शर्त रख दी जो 10 जन्म में भी पूरी नहीं हो पाएगी। पर मिलना तो तुम लोगों को इसी जन्म में है। चला जी घर चल। घबरा गया ये, कितने दिनों की मोहलत है? जेट प्रोजेक्ट पट भैया। अच्छा जी। क्या आप इनकी मदद नहीं कर सकते थे डैडी? बेटी, अगर मैं चाहता तो इनको 1 करोड़ रुपए दे सकता था, मगर ये बात मेरी जबान पर आने से पहले ही ये रिश्ता टूट जाता, क्योंकि ये वो गरीब हैं जिनका जमीर बहुत अमीर होता है और दुनिया की सारी दौलत इनको खरीद नहीं सकती। तो जुआ खेलेगा? जुआ कौन नहीं खेल रहा है श्लोक। लड़की के बाप ने 1 करोड़ की शर्त रखी, क्या ये जुआ नहीं? जाने किस उम्मीद पर हवलदार अपनी बीवी से लड़ पड़ा और मुझे पाल लिया, क्या ये जुआ नहीं? तेरी मां ने तुझे पढ़ा लिखा कर एक सपना देखा, क्या ये सपना एक जुआ नहीं? देखा जाए तो जिंदगी भर आदमी जुआ ही खेलता है, सिर्फ खुद की तसल्ली के लिए नाम अलग अलग दे देता है। और जो तूने जुआ ना खेलने के लिए हवलदार चाचे की कसम खाई है, वो जानता है कसम क्यों खाई जाती है? क्यों? उसे तोड़ने के लिए। तमंचा, इक्का सेठ को फोन दो, अच्छी खबर है। इक्का सेठ कसीनो से आपसे बात करना चाहता है। मेरे यहां आने पे कोई पाबंदी तो नहीं? बिल्कुल नहीं। जुआ खेलने पे? बिल्कुल नहीं। मुझे 10 लाख रुपए उधार दे। 10 लाख रुपए उधार तो तुम्हें मिल जाएंगे अजय, लेकिन रुपए ना लौटाने की सूरत में किस चीज की गारंटी है? अपनी। अगर मैं 10 लाख रुपए हार गया तो जिंदगी भर तेरी चौकट पर गुलाम बनकर खड़ा रहूंगा। तू गुलाम बनेगा मेरी चौखट पे। फौरन दे दीजिए, रुपयों के सामने एक बार जो बिक गया वो कभी गद्दारी नहीं करता। कैशियर को फोन दो, अजय को 10 लाख के काउंटर्स दे दो। जी कसेट। चौसा जी, आज मुझे तुम्हारे हाथों का जादू देखना है। तुम 1 करोड़ लेकर बैठो और उसके कपड़े तक दांव पे लगवा के उसका हलिया थिर कर देना। वो नंगा होकर जाएगा इक्का सेठ। जो जीतेगा वो डील करेगा। आज एक उस्ताद की दूसरे उस्ताद से टक्कर है। हाँ, इक्का का आखिरी त्रुप का पत्ता तो तू ही है। तू मुझे जरूर जंजीर में बांधकर इक्का के पास ले जाएगा। Thank you.
पास तीन बादशाह हैं। रुक, तेरे पास सिर्फ एक का सेट है, मेरे पास तीन इक्के हैं, खोल के देख। ये रहे 1 करोड़ रुपए। तू बड़ा बात किस्मत देख का सेठ, मैं तेरे 10 लाख रुपए काउंटर्स ऑफिस ले जा रहा हूं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए ले जा रहा हूं। मैं हार गया, इक्का सेठ हार गया। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तुम लोग जाओ, जनता जाओ, ऐलान कर दो कि इक्का सेठ ने जुआ घर बंद कर दिया है। अजय 1 करोड़ ले गया, कोई कुछ नहीं करेगा उसे, कोई कुछ नहीं करेगा। ए, अपने अपने हाथ ऊपर करो और पहले मुझे ये बात हजम करने दो कि इक्का सेठ को कोई इतनी बुरी तरह हरा कर जा सकता है। तुम सब अफसोस मनाओगे, तुम सब अफसोस मनाओगे, लेकिन अच्छा है कि 1 करोड़ उसके पास रहे, क्योंकि अब सिर्फ यही एक कड़ी है जो उसे खींच कर मेरे पास ला सकती है। और इस बार उसे बाजी कसेट के साथ खेलनी पड़ेगी, जिसे जुए में भगवान भी नहीं हरा सकता। चौसा कम से तो इसकी तकदीर लिखेगा। अरे किसे पड़ा जुए का रुपया, तक उठा कर ले जा, फेंक इसे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन। बाप का नाम तो उधार में लिखवाया है, तो क्या अपने हाथों से हमारी किस्मत बदलेगी? रुपया रुपया होता है माँ, इस पर ये नहीं लिखा होता है जुए का की मेहनत का। वाह बेटा वाह, कहाँ से पढ़कर आए तू ये नई शिक्षा, इस अजय से? अरे इस अजय ने तो 2 जमात पढ़कर ताश की गड्डी को अपनी रखेल बना लिया था। इसका अपना क्या भविष्य, नाली का कीड़ा गंदगी के अलावा और क्या फैलाएगा? अगर अजय नाली का कीड़ा है तो मैं कौन सा धर्मात्मा की औलाद हूँ माँ? पर बेटा मैंने तुझे अपनी आत्मा से पाला है, भले ही बाजार की थी पर थी पूरे ईमान की कमाई। पहले अपना सब कुछ लगा दिया तेरा जीवन बनाने के लिए, और अब तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया किसकी सोबत में? अरे अजय, मैंने तेरे जैसा बेशरम आदमी जिंदगी में नहीं देखा। इतनी मार खाने के बाद भी यहाँ बैठा है, निकल यहाँ से। मैं तुझसे ये पूछने के लिए बैठा हूँ श्लोकी माँ, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी? मुझे चोट लगे ना लगे तुझे इससे क्या, तू निकल यहाँ से, और फिर दोबारा यहाँ मत आना, मेरे दरवाजे बंद है तेरे लिए। पता नहीं जिस्म पर चोट लगी या नहीं, पर दर्द कहीं अंदर हो रहा श्लोक की माँ। तू भी पागल है माँ, मारती भी खुद है, रोती भी खुद है। चल हट, मुझसे बात मत कर, और ना मैं कभी उससे बात करूंगी। कसम दी थी हमने, तोड़ डाली हाँ। अरे अरे, तू जैसे नाली के कीड़े से वफादारी की उम्मीद रखना मेरी भूल थी। अरे तू किया था, किया है, किया रहेगा, किया रहेगा, रहेगा, रहेगा। जानता है, जानता है तूने
किन लोगों से दुश्मनी बोल ली है? अरे जहाँ बड़े बड़े अफसर, समाज के ठेकेदार सलामी देने जाते हैं वहाँ। अरे तुझे क्या पड़ी थी वहां जाने की? क्या पड़ी थी बोल? मेरे घर में कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ तू रह सके। अरे मैंने अपनी बीवी को खो दिया, जहाँ तुझे भी खो दिया मैंने, जहाँ खो दिया। चला जा यहाँ से, निकल जा हरामजादे। से छुड़ाया जिसने आंचल, हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, करे याद उसको हर पल। ये है कैसा रिश्ता, ये है कैसा बंधन, ये है कैसा रिश्ता, ये है कैसा बंधन। कभी लगे प्यारा जैसे साजन, कभी लगे प्यारा जैसे साजन, कभी लगे जान का ये दुश्मन, कभी नफरतों में प्यार कहते हैं। कई रूप देखो ये बदले, कई रूप देखो ये बदले, कई रंग देखो बदले। ये है कैसा रिश्ता, ये है कैसा बंधन, ये है कैसा रिश्ता, ये है कैसा बंधन। हो ऐ दिल तुझको राह मिलेगी, जहां मिली तुझको ठोके वही पना मिलेगी। जहां कभी दिल ने खाई ठोके, जहां कभी दिल ने खाई ठोके, वही दर ढूंढे ये पागल, हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, करे याद उसको हर पल। ये है कैसा
रिश्ता, ये है कैसा बंधन, ये है कैसा रिश्ता, ये है कैसा बंधन। तू रोज हार जाता था ना पगले, आज मैंने पत्ते बांटे तो तू जीत गया। मैं हारी हुई रोटी कैसे खा सकता हूं? बस इतने में हार गया वजार, ला पत्ते मुझे दे, देखता हूं तू कैसे हारता है। जानबूझकर रोज हार के रोटी खिला देता है मुझे, तू समझता मैं नहीं जानता। तू जिंदगी भर हारता ही रहा है वलदार। चल घर चल, बहुत भूख लगी है मुझे। पर एक शर्त है, पत्ते में बांटूंगा ताकि मेरा पेट भर जाए। हुँ? कीड़े का पेट नाली सुनकर भी भर जाता है। मैंने तो पीटा और थकेला था तुझे, तू तो चाबुक मार रहा है। चल बेटे घर चल। कब तक तू खाना नहीं खाएगा? जब तक तू अजय को और मुझे माफ न करते। ममता का इम्तिहान ले रहा है बेटा। मां आसमान से रुपए नहीं बरसते, अजय का क्या दोष है? सिर्फ इतना ही ना कि तेरी तपस्या साकार करने के लिए उसने एक बार जुआ खेला। इन रुपए को जुए की रकम मत समझ मां। मां ये सारा पैसा तो मेरे पर कर्ज है। मां जिस दिन मेरी फैक्ट्री खुल जाएगी ना, मैं बैंक का पैसा बाद में, पहले इक्का सेठ के 1 करोड़ रुपए लौटा दूंगा। ये महाभारत का चक्रव्यूह नहीं है मां, जिसे भेद ने अर्जुन अभिमन्यु को तब सिखाया था जब वो मां के पेट में था। हमारा कौन है, ये हमारे भाग्य का चक्रव्यूह है जिसे हमें खुद तोड़ना है। मैं वादा करता हूं मां, इसे हम मिलकर तोड़ेंगे। हमारे भाग्य को ग्रहण न लगे बेटा, इसलिए रुपया जल्दी से जल्दी लौटा, फिर नाजे को कोई खतरा रहेगा नहीं तुझे। अब तो खाना खा ले। नहीं मां, अजय अभी तक हार के लौटा नहीं। थाली लेकर बाहर आ जा श्लोक। ए तू अंदर क्यों नहीं आ जाता? तेरी मां ने मुझे मारा, घर से निकाल दिया। क्या बेटा बाहर चला जा, बड़ा जिद्दी है वो। मैं माफी भी मांगूंगी तो भी चार चली कटी सुनाएगा। जा। श्लोक की मां भेज अपने बेटे को बाहर, बड़ी जोरों की भूख लगी हम दोनों को। सीधी बात करना तो कब बंद करेगा रे? तू सच से कब तक बचती रहेगी श्लोक की मां? सच तो नंगा होता ही है। तू घर के अंदर नहीं आएगा क्या? तूने निकाला है, तू बुलाएगी तो अंदर भी आ जाऊंगा। एक बात कहूं, एक अच्छी सी लड़की देखकर तू भी अपना घर बसा ले। उससे क्या होगा? तेरी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, तेरा खानदान बनेगा। जिस सीढ़ी से मैं इस दुनिया में आया हूं उसकी पीढ़ी आगे ना बढ़े तो अच्छा है। बिना पायदान के खानदान की नींव नहीं रखी जाती श्लोक की मां। तू किस मिट्टी का बना है रे? नाली की। 1 करोड़ रुपए? इतने ढेर सारे रुपए तुमने इतनी जल्दी कैसे अरेंज कर लिए? जी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरी आत्मा पर कोई बोझ हो। खैर मैं इससे ज्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाहता, इसको व्हाइट करने में कुछ वक्त लगेगा। जी कॉलेज में तुम्हें बिजनेस की किताबी जानकारी मिली, कल से ऑफिस आकर तुम बिजनेस की असल बारीकियों को भी आके समझ लेना। जी जी अच्छा। ओके गुड बॉय।
अब मर रही है तो याद कर रही है। मरता मर जाऊंगा पर मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा। किसका मुंह देखने से इनकार कर रहा है हवलदार? बीवी का। पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। माँ कुछ बची हुई सांसें ले रही है। उम्र भर तो आप लोग अलग अलग ही रहे, आखिरी वक्त पर इंसान को अपनों की जरूरत होती है। अगर आप आ जाएं, तो शायद माँ को जीवन मिल जाए। आपकी बेटी संध्या। चिट्ठी फेंक कर अपना गुस्सा ठंडा कर रहा है वालदार, ये अपना पछतावा कबूल कर रहा है। ना कोई पछतावा है मुझे और ना ही गुस्सा। वो अपने अहंकार में चली गई तो मेरा अहम भी आज तक जिंदा है, इसलिए आखिरी दिन भी मेरा वही फैसला रहेगा जो उस दिन था। अरे वो दुनिया की पहली औरत तो नहीं है ना जो मर रही है? अमर तो कोई नहीं है वालदार, पर वो औरत तेरे लिए पहली और आखिरी दोनों है। तू मजा, पर मैं वहां जरूर जाऊंगा। जवानी में जलील होना चाहता है ना तो जरूर जा, औरत के नाम से नफरत हो जाएगी तुझे। मोहब्बत तो आज भी नहीं है वालदार, पर जिस औरत ने मेरे लिए उस रिश्ते को तोड़ दिया, जिसे लोग जन्म जन्म का बंधन मानते हैं, जरा मैं भी तो देखूं क्या खास बात है उसमें। तुम लोग घर जाओ। क्यों, हम ट्रेन जाने के बाद जाएंगे। विदा करने आए बला टालने। ए राम, तो फिर शुरू हो गया? शुरू तो मैं बाद में होऊंगा। ये ले तेरा बैग, इस बैग में चिट्ठियां हैं। रोज मुझे खाली लिफाफा भेज देना, मैं समझ लूंगा सब खैरियत है। चिट्ठी नहीं मिली तो समझ लेना कि बुढ़िया लुढ़क गई। अच्छा मैं चलता हूं, तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो पूजा। रिक्शा निकले पतली गली से।
कैसेट, शहर छोड़कर मैं बाहर जा रहा हूं, सामान तेरा पीछे छूट गया है। गुंडे हैं, मरेंगे, इन्हें तू ही मारेगा। खुशी हुई, इन्हें तुझे खत्म करने के लिए थोड़ी भेजा था, भेजा तो इसलिए था कि तू मुझसे मिल के तो जाए। बिना बोले कहां जा रहा है तू? बताकर तो मैं इस दुनिया में भी नहीं आया था। फिर सब लोग बात के नहीं, कुछ लोग हाथ के भी होते हैं। बेफिक्र है, तेरे 1 करोड़ इस बैग में नहीं आएंगे। तू समझदार है, किसी को देख जाएगा, किसी अपने को, किसी पराए को, सबको मुसीबत में डाल के जाएगा तू। अपने तो तेरे गद्दार हैं इक्का सेठ, मुझसे मिलकर तेरी गद्दी छीनना चाहते हैं। जानता हूं, तू कभी झूठ नहीं बोलता, किसी से नहीं बोलता। बता दे, किसे अपनी सांसों से नफरत है? किसने मुझे जुए के लिए पैसे दिलवाए और समझाया था रुपए के सामने एक बार जो बिक जाए वो कभी गद्दारी नहीं करता? पर तेरा आदमी गद्दारी कर गया इक्का सेठ। तो मंत्री ब्रह्मचारी गद्दार है। ये सब क्या है इक्का सेठ? तुम्हारे इन आदमियों ने मेरे सारे बॉडीगार्ड मार दिए। जा कुर्सी पे बैठ जा। ये मुझे इज्जत दी जा रही है या सजा का बंदोबस्त है? रुपयों के लिए तो बिक गया मंत्री, अपने कानून और सिद्धांत पे मैं तेरी बलि लूंगा। इस कुर्सी पे बैठा के बैठ, इस गद्दी पे बैठ। तब तक किसे सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक्त मारो, नींद ना आने की सूरत में हर 2 घंटे के बाद हलिया थिर। मुझे पूरा भरोसा था तुम जरूर आओगे अजय भैया। आओ, अंदर आओ, यहाँ बैठो। पर तूने मुझे पहचाना कैसे? जिस घर में बुरे दिन चल रहे हो वहाँ अनजान आदमी दस्तक नहीं देते। तुमने तो कभी खोजखबर ली नहीं, पर लोग भैया हमेशा चिट्ठी लिखते थे। इसलिए यहाँ का हाल देने के लिए इतनी चिट्ठियाँ दे गया। तेरी माँ कहाँ है? माँ खाने की आस में नींद आ गई। तुम आराम करो, मैं कुछ पका कर लाती हूँ। जिंदगी भर अपने पति से दूर रही और तू उसके मौत से पहले उसकी आखिरी निशानी चुरा के ले जा रही है। तुम तो रिश्तों में विश्वास नहीं रखते, फिर किस हक से मुझे थप्पड़ मारा? बोलो। मुझे नहीं मालूम। पर मैं जानती हूँ और मुझे खुशी है कि बिना किसी बंधन के हमारी रक्षा करने आया है मेरा भाई। मैं मानती हूँ कि माँ का मंगलसूत्र बेचकर मैं गलती करूंगी, मगर सच्चाई तो यह है कि अपने भाई को भूखा रखने से पहले अगर मेरे गले में भी मंगलसूत्र होता तो उसे भी बेचने से पीछे नहीं हटती। ये ले मंगलसूत्र, ये पकड़ लिफाफा, खोल के देख कितनी चिट्ठियां इसके अंदर, कहीं जाकर बेच करा। अगर 4 रुपए मिल गए तो 4 की 40 में कर दूंगा। इसमें तो बहुत सारे रुपए हैं भैया। बड़ा लिचड़े साला, बिना टिकट ही सफर करा दिया और लिफाफे में नोट दे गया। ये लो। माँ देख अजय भैया आए हैं।
ये ले तेरा मंगलसूत्र, खाना खा ले। क्यों आया है तू? हाँ, क्यों क्यों आया है तू? माँ, पैदा होते ही मेरा पति छीन लिया तूने। मंगलसूत्र लाकर एहसान जताने आया है तू? क्या क्या बोलेगा तू मुझे? संध्या की माँ, ये बोलने का हक सिर्फ उनको है, और इसे क्या बोलेगा? पार्वती की बेटी, ये बोलने का हक सिर्फ गांव वालों को है। तू होता कौन है रे? माँ भाई आती दूर से, ये किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है। निकल जा, चला जा वापस उस शहर में जहां तूने मेरा सब कुछ छीन लिया था, सब कुछ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है जो आज तक मेरा मुंह देखने नहीं आए। नफरत है मुझे तो तुझसे, जिसने उनका साथ मेरे हाथ से छुड़ा दिया। नफरत है मुझे तुझसे, नफरत है मुझे तुझसे। जीते जी अपना पति खोया है, उसकी बारात को गाली मत समझो। अगर तुम अब चले जाओगे ना, तो उसको लगेगा पति खोया 20 साल पहले और बेटा खोया 20 साल बाद। रुक जाओ, मत जाओ। कैसे हैं? बूढ़े हो गए हैं और रिटायर भी, पेंशन मिलती है, पेट भरने के लिए काफी है। और तू क्या करता है? पता नहीं। तू भी उनकी तरह मुझसे नाराज है? अरे बड़ा सच्चा आदमी है वो हवलदार, नफरत भी बड़ी ईमानदारी से निभाता है। मिले तो कहना, अगले जन्म में इतनी ईमानदारी से प्यार दे दे। अभी यह जन्म तो पूरा हुआ नहीं, और तू अगले जन्म के बारे में सोच रही है। बचपन में वो तू थी जिसने पहली बार सच कहा, फिर पूरी दुनिया ने उसे अलग अलग ढंग से दोहराया। दुनिया की जली कटी सुनकर तुझे दुख तो होता होगा ना बेटे? पहले यह तो पता चले कि सुख क्या होता है। चलिए बता, चिट्ठी मिलते ही तू फौरन यहां दौड़कर कैसे चला आया? मैं तो तुझसे मिलने आया था, पर तुम मुझसे नाराज थी, फिर मनाने क्यों आई? माँ हूं ना। एक माँ वो भी तो थी जिसने मुझे गंदी नाली में फेंक दिया। नहीं बेटे, माँ के नाम को कलंक ना लगे, इसलिए मैं तुझे अपने आंचल में जगह दूंगी। तू मेरे आंचल में सोएगा? हाँ, क्या वहां नींद आती है? जिंदगी में इंसान दो ही बार गहरी नींद सोता है, मौत की गोद में या मां के आंचल में। एक की गोद में जाकर वो दुनिया छोड़ जाता है, और मां की गोद में दुनिया बसा लेता है। ये क्या तू रो रहा है पगले? हाँ, आज एक बात समझ में आई कि इन आंसुओं का कोई दीन ईमान नहीं होता। जब मां नहीं मिली होगी तब भी बह होंगे, और आज जब मां मिल गई तब भी बह रहे हैं। बेटे श्लोक, अगले 7 दिन में तुम्हें 7 साल की दूरी तय करनी पड़ेगी। मल्टीनेशनल कंपनीज के जो डेलीगेट्स आए हैं ना, उनके साथ कोलैबोरेट करके तुम अगर नए एस्टैब्लिशमेंट्स बना सकोगे तो जिंदगी भर तुम्हें कभी पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा। ये लो,
बादशाह, ये मेरा आखिरी इम्तिहान है। Good morning, Uncle. Ah, Shlok, come. I'm proud of you. Come and sit down. ये assignments तुमने हाथ में लेके ये साबित कर दिया है कि तुमने सिर्फ यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं किया, तुम एक टॉप क्लास बिजनेसमैन भी हो। डैडी, अब श्लोक का वक्त आपके साथ नहीं मेरे साथ गुजरेगा, पर इस शहर में नहीं, यहाँ से कहीं दूर। बादल से क्या कहा, आंखों ने काजल से क्या कहा, मौसम में बादल से क्या कहा, आंखों ने काजल से क्या कहा। बादल से क्या कहा, आंखों ने काजल से क्या कहा। बादों की वादियों ने हमको हमसे मिलाया, बादों की वादियों ने हमको हमसे मिलाया, क्या कहा, नींदों ने ख्वाबों से क्या कहा। चुप कर मेरी नजर से जाओ कहीं भी आओ, जितना चाहोगे मुझसे उतना बढ़ेगा प्यार। मौसम ने बादल से क्या कहा, आंखों ने काजल से क्या कहा।
सब कुर्सी वालों का एक दिन यही हाल होगा, ये बात मेरी समझ में आ गई। मेरी सात पुश्तें कुर्सी पर नहीं बैठेंगी, नहीं बैठेंगी, नहीं बैठेंगी। लेकिन ये इतनी बड़ी सजा किस गुनाह की दे रहे हो? गुनाह? ब्रह्मचारी, धोखा दिया है तूने, और धोखेबाजों को खुद इक्का अपने हाथों से काटता है। हलियो! रुक जाओ इक्का सेठ। क्या धोखा दिया है मंत्री ने? किसे धोखा दिया है? बिना छानबीन किए अपने आदमी को मौत के घाट उतार रहे हो? अजय की ईमानदारी का मैं कायल हूं, वो कभी झूठ नहीं बोलता कमिश्नर। क्या कहा अजय ने? मैं जमानत के तौर पर अपनी सारी दौलत तुम्हारे पास रखता हूं इक्का सेठ, बस 30 दिन की मुझे जिंदगी दे दो, मैं बता दूंगा कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। मेरी बरसों की वफादारी पर चूना लगा गया अजय। उस हराम ज्यादे से रुपया वापस लाना होगा। इक्का सेठ के मन में उसके लिए जो सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी का झूठा भ्रम है, उसे तोड़ना होगा। मैं तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दे रहा हूं मंत्री कि आज उसने तुम्हारे साथ दांव खेला है, कल को यही खेल वो मेरे साथ भी खेल सकता है। इस खेल में उसका कौन कौन खिलाड़ी साथ दे रहे हैं इसका पता लगाओ कमिश्नर। सबसे पहला शक जिस पर जाता है वो उसका नाजायज बाप। हाँ, औलाद के पत्थर का जवाब औलाद से दो, तोड़ दो। तेरे बेटे ने जुआ खेला था? रुपए कहां रखे हैं? मैं नहीं जानता साहब, हम लोगों ने इनके सारे घर की तलाशी ले ली है लेकिन रुपया कहीं से बरामद नहीं हुआ। छोड़ दो इसे। अब बचा उसका इकलौता दोस्त, डंडियों में उसकी मां की बड़ी साख है। नमक बराबर राजनीति मिलाकर उसे अपने शिकंजे में लेना होगा। वो कैसे? नमस्ते, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमने जो वैश्यवृत्ति खत्म करने के लिए आंदोलन छेड़ा है इसमें हमें आपकी सहायता चाहिए। पर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आपके इस मोहल्ले में बड़ी साख है, सब आपकी इज्जत करते हैं। अगर आप हमारे साथ घर घर दरवाजे दरवाजे चलेंगी तो हम अपनी बात उनके सामने रख सकेंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं जरा कपड़े बदल कर आती हूँ। बैठिए आप। क्या बात है? हमें खबर मिली है कि तुम्हारे यहाँ धंधा होता है। अच्छा? हाँ, और यकीन ना हो तो लड़कियां और ग्राहक सब मौजूद हैं। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। ए, ये चूड़ियों का डर जाकर अपनी बहू बेटियों को दिखाना, हम रंडियों को नहीं। जिस चौखट पर दलाल और शोहदे दूर से माथा टेक कर गुजर जाते हैं उसमें घुसने की हिम्मत कैसे की तुम्हें? जो भी कहना है मैं यही कहूंगी और सुनेगा तू? अरे मैं तजुर्बे से कहती हूँ, ये तुम्हारी चौकियां हैं जिनकी वजह से घर चकले बन जाते हैं। अरे ये ना असल रंडियां हैं और ना ये असल मर्द, इन जनखों के दम पर तो मुझे धंधे वाली साबित करेगा। अरे तेरी हरकत पर धंधे वाली पर आदमी एक बार भरोसा कर लेगा, पर तेरी जात पर से तो रंडियों का भरोसा उठ गया है। चल मैं देखती हूँ क्या करता है तू और क्या करती है तेरी अदालत। चल पहले तुझे करूंगा अंदर, बाद में होगी तेरे घर की तलाशी। रुक जाओ। अरे ओ धंधे वालियों, वैसे तो पुलिस को देखकर तुम लोग दुबक जाती हो, छुपती फिरती हो, लेकिन आज सामने आने की हिम्मत कहाँ से आ गई? अब इज्जत बचाने के लिए तो छुपेंगे नहीं, तुम लोगों की नियत देखकर छुपना पड़ता है। दलाल को भत्ता और तुमको हफ्ता,
तो तुम लोग इनको ले जाने से मुझे रोकोगी? देख, ये शान है हमारी बिरादरी की, इसे बेइज्जत मत कर। कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूं ऑफिसर। विदाउट माय परमिशन तुमने इनको अरेस्ट कैसे किया? तुम इनके घर में घुसे कैसे? दिस इज माय ज्यूरिसडिक्शन, डू यू अंडरस्टैंड ऑफिसर? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन। इसका जवाब हम अदालत में देंगे। कौन सी अदालत इन्हें लेकर जाएंगे इंस्पेक्टर? इंसान की अदालत में इनके इंसाफ का कोई कानून नहीं लिखा। हाँ, भगवान की अदालत में इनका मुकदमा चल सकता है कि ऊपर वाले ने इनकी खोटी किस्मत क्यों लिखी। तुम कौन हो? तुम नहीं, आप कहो। ये तू तड़ाके से बात करने की आप पुलिस वालों की आदत जाती क्यों नहीं? अगर आम आदमी से तहजीब से बात करें तो आपकी डिपार्टमेंट की ताकत कम हो जाएगी क्या? अच्छा, तो आप आए हैं इनको बचाने? ये लो कागजात। बचाने नहीं, छुड़ाने आया हूं। ये लो जमानत के कागजात। और याद रखना, मैं तुम पर और सरकारी वकील पर लाखों का मानहानि का दावा ठोकूंगा। तुम्हारी ये वर्दी और उसका काला कोट इसी बाजार में नीलाम होगा। चलो मां। सारा घर छान मारा उन पुलिस वालों, पहले तेरे ऊपर फिर हमारे घर पर हमला किया उन लोगों ने। लेकिन चाचा, उनकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? अरे ये सारा बवाल उससे 1 करोड़ रुपए की वजह से खड़ा हुआ है, जो अजय चूहे में जीत कर लाया था। रुपया कहाँ गया ईश्वर जाने, अब तो ये हमले होते ही रहेंगे। चूहे के रुपए से तो मेरा प्यार माना चाहते थे। चूहे से घर बर्बाद हो सकता है, आबाद कभी नहीं होता। श्लोक, कल तो तुम मुझे भी दांव पर लगा दोगे, क्योंकि तुम्हारे बाजार में इसका भी आत्मा पर बोझ नहीं होता। मैं भूल गया था पूजा, कि तुम बड़े लोग हो और मैं बाजार हूं। मुझे माफ कर देना, लेकिन सच तो ये है कि अगर आज मेरा प्यार छूटता है तो छूट जाए, रिश्ते टूटते हैं तो टूट जाए, लेकिन मैं मां चाचा और अपने दोस्त के अर्थी के फूल से अपना सेहरा नहीं बांधूंगा। उनके त्याग क्या क्या मैं पूजा तो क्या, भगवान की पूजा को भी भूल जाऊं। मैनेजर साहब, ये रुपए आप लेकर गाड़ी में श्लोक के घर भिजवा। ओके सर। जुए में जीत के आए मगर रिश्तों के लिए सब कुछ हार गए। बेटे, तुम तो मालिक हो इस कंपनी के, मगर तुमने ना इन रुपयों को अपना समझा ना हमें, वरना मांग के क्या हक से उठा कर ले जाते। मेरी बेटी ने गरीबी नहीं देखी, और जिन लोगों के पेट भरे होते हैं ना, वो नसीहत कुछ ज्यादा ही देते। माफ कर देना मेरी बच्ची। जी चलता हूं। जी चलता। बेटे, ऐसे गैरतमंद लोग तुम्हें सिर्फ गरीब तबके में मिलेंगे। ये कोई हीरा नहीं जो ढूंढने से मिल जाए, ये इंसान है जो आजकल नहीं मिलते। इक्का सेठ, इक्का सेठ, ये रहे तुम्हारे 1 करोड़ रुपए। अजय किसी जुए खाने में थूकने भी नहीं जाता, अगर इन रुपयों की जरूरत मुझे नहीं होती। तुम्हारा रुपए तुम्हारे पास आ गया है, अब तुम हम लोगों पर जुम्म ढाना छोड़ दो। आज से ना तुम हमें पहचानते हो, ना हमें उस गली का रास्ता मालूम है जहां पे तुम्हारी परछाई पड़ती है। शांत हो जाओ इक्का सेठ, और हमें भी शांति से जीने दो। ये देखिए ना माँ जी, ये मुझे माफी नहीं कर रहा है। मैं इतनी दूर से चलकर अपने ससुराल आई हूँ। बहू, तेरी ससुराल तो मेरे दिल में है, इस बाजार में नहीं। ये तो पागल है, तू बैठ ना। ये रुपया लौटाया है, मेरा डर खत्म हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। अजय का पत्ता साफ, पुलिस, राजनीति और अंदरूनी ताकत तीनों को आपस में लड़वा कर मरवा देने की कोशिश की थी उस हरामखोर ने। लेकिन हमने भी ऐसी चरखी चलाई कि घर की लक्ष्मी घर में लौट आई। भाई, जब तक हम तीनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, समझ लो लोकतंत्र जीता रहेगा। भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई का सेठ,
ऐसे मौकों पर तो चारों ओर रोशनी और आतिशबाजी होती है, आप अंधेरा किए बैठे हैं क्यों? मंत्री, आज मेरा भरोसा टूट गया। मुझे अजय ने धोखा दिया। मैं उसे हर बार हर जाति के लिए माफ करता गया। आखिरी बार किसी को अपनापन दिखाया इक्का सेठ ने और उसने मुझे ठोकर मारी। ओह, वो पागल ये नहीं जानता कि मैं वो सांप हूं जिसके फन से लेकर दम तक जहर ही जहर भरा है। हे भगवान, हे भगवान, उसे मेरा जहर बर्दाश्त करने की ताकत देना। दवा का इतना असर क्यों नहीं हो रहा डॉक्टर? दिल की बीमारी इन्हें पहले से थी। सांप का जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। कोमा के स्टेज है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जहर खा के मर तो सकते हो? इसकी मौत से पहले तुम्हारी डॉक्टरी मर गई। चलो जा अपनी हड्डी का संभाल। दफा हो जा, दफा हो जा। देख, तेरे रोने से ये नहीं उठेगी, नहीं उठेगी तेरे रोने से। तो खड़ा क्यों है, खड़ा क्यों है तू? जी वो मेरी फीस। फीस? ये ले अपने कफन के पैसे, दफन हो जा। और सुन, ये उठेगी, ये आज उठेगी और अभी उठेगी। उठेगी, उठेगी ये। उठ, 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 उठ। माँ, तूने मुझे आवाज दी बेटे। हाँ माँ, तू तो अपने बच्चे को दुनिया की हर माँ पिलाती है। तूने तो मेरे जिस्म का सारा जहर पी लिया रिश्तों का ज्ञान देने के लिए। कितना आसान तरीका ढूंढा है तूने। क्यों? मरते मरते रुलाएगा तू मुझे? ऐसा मत बोल माँ, मत बोल। दो वचन मांगू, देगा? बोल माँ। संध्या का कन्यादान तू अपने हाथों से करना। मेरी चिता को आग तू देना और एक वचन मैं तुझे देती हूं। अगले जन्म में मैं तुझे जन्म अपने कोख से दूंगी।
कैसा लग रहा हूँ? श्लोक, ये गाड़ी, ये सूट बूट एकदम टिचन लग रहा है। यहाँ पे कंपनियों का काम पूरा हो गया है। मैं तो रोज स्टेशन जाके तेरी राह देखता था। अरे ये बता, संजय की माँ कैसी है? माँ मर गई। ये संध्या है और ये तेरा खबरी भाई जो माँ को और तुझको चिट्ठी लेकर यहाँ की खबर पहुंचाता था। माँ और संध्या? लेकिन तू तो रिश्तों को मानता नहीं था। अब जान गया हूं तो मानने भी लगा हूं। अजय, कैसे हो? अजय लौट आए गांव से? शांताताई, तुझे क्या हुआ शांताताई? वो लोग मुझे पागल कहते हैं। पागल? क्या मैं पागल हूं? हाँ शांताताई, जो लोग सारी उम्र दूसरों की सेवा करें उन्हें ये दुनिया पागली कहती है। तू मुझे बार बार वहां क्यों ले जाता है रे? बार बार ले जाता है। ए, ए, लड़की, तू पुलिस वाला है ना? पुलिस वाला है ना? इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना, नहीं तो ये रास्ते पे वो रक्षा करना, इसकी रक्षा कर। हवलदार, मुंह लटका कर आ गया गांव से? बेइज्जत होने का शौक पूरा हो गया? बेइज्जत नहीं हवलदार, तेरे घर की इज्जत अपने साथ लाया हूं। कौन है ये? मैंने सुना था बाप बेटी को डोली में बिठाने के बाद भी नहीं भूलता, पर तू अपनी बच्ची को मिलने से पहले ही भूल गया। संध्या है ये? नाम याद है तुझे? बड़ा एहसान किया तूने बाप की बिरादरी पर। अब तेरी आत्मा की शांति के लिए भी बता दूं, संध्या की मां गुजर गई। अच्छा हुआ चली गई वो। खुद्धार औरत को सुहागा नहीं जाना था? और इसका कन्यादान खुद अपने हाथों से करने का वचन देकर आया हूं मैं। माँ का सहारा तो छूट गया बाबूजी, क्या आपके दर पे घर नसीब होगा मुझे? क्या कह रही है बेटी, तू तो मेरा नसीब है। ये घर, ये दर सब तेरा ही तो है। अरे मैंने बहुत भुगता है तुझे खोकर, बहुत भुगता है, बहुत भुगता है। देख, तेरा कन्यादान अजय ही करेगा अपने हाथों से। मैं जिसे अपना आम समझता था ना, वो मेरा अहंकार था, उसकी यही सजा है। ये सजा नहीं, आपका प्रायश्चित होगा बाबूजी। से बोल, क्या कहा तूने? अरे बुढ़ापे में कान धोखा दे जाते हैं। बोल बोल बेटे। एक बार कहा ना बाबूजी। आज भगवान न जाने मुझे कौन कौन से सुख दे रहा है। अरे मैंने तो सोचा था मेरे मरने के बाद भी तू ये नहीं कहेगा कि आज मेरा बाप गुजर गया। बाबूजी, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना था मुझे। माँ ने जिंदगी भर हर सांस के साथ आपका नाम जपा, क्या आपने कभी उसे याद नहीं किया? याद? मैंने उसे कितना याद किया, ये तो मेरी याददाश्त को भी याद नहीं। वो पगली औरत तुझसे तो अपने दिल की बात कह गई, पर मेरा रोना नहीं सुन पाई। चाचा, आज हुआ है मिलन और कल होगा एक नया बंधन हमारी नई जिंदगी का। यहां दो मालिक बैठेंगे,
एक मैं और एक तू। जरा मैं भी तो देखूं कि मालिक की कुर्सी पे बैठा मेरा दोस्त कैसा लगता है। अम्मा, नहीं समझी तुम? तुम्हें बुला रहा है। तूने पहले तो कभी ऐसे नहीं बुलाया था रे। जिंदगी भर किसी को गाली दो, फिर एक बार उसे उसके असली नाम से पुकारो तो वैसे ही चौंकता है। आ तू बैठ। हाँ? तू बैठ। आज तेरी तपस्या के फल का दिन है, तू ही यहाँ की मालकिन है अम्मा। और सुन, तू यहाँ बैठ। वकील साहब, वो अग्रीमेंट लाना जो हम दोनों के आधे आधे की पार्टनरशिप के कागजात है, लाइए मुझे दे। बड़ा बनते ही पहले आदमी बंटवारे की सोचता है। एक थाली में खाने का हक भी छीनेगा मुझसे? अम्मा समझा, रिश्तों के कागजात नहीं बनते। ये पगला फकीर है, दूसरों के लिए जीता है। बेटा, हम अपनी खुशी के लिए तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। भला ऐसा रिश्ता चलकर खुद घर आ जाए, इसमें तो भगवान को या फिर लड़की के भाग्य को किसको सहराएं। फिर भी शादी में 50 किस्म की तैयारियां होती हैं। आप लोगों की कुछ शर्तें या मांगे होंगी? हमारी तो बस एक ही मांग है, हमारा बेटा बहू की मांग में सिंदूर भरकर अपने घर ले आए। बस हमारी सारी मांगे पूरी हो गईं। नहीं माँ, मेरी दो शर्तें हैं। सबसे पहली ये कि लड़की जिन कपड़ों में विदा होगी वही मेरा दहेज होगा, और दूसरी ये कि शादी में ज्यादा से ज्यादा खर्च 125 होगा। मेरी भी एक शर्त है, हमारी बच्ची की विदाई हमारे नए घर से होगी, शादी और गृह प्रवेश दोनों साथ साथ होंगे। तो फिर देर किस बात की चाचा, सारी शर्तें तो पूरी हो गई। नीलकंठ बाबू, शादी के बाद मेरी बहन को इतना सुख देना कि वो अपने सारे दुख भूल जाए, ये शर्त नहीं, एक भाई की प्रार्थना है आपसे। और तुम दोनों खाने के बंदोबस्त पर ध्यान दो। जी। अरे पंडित जी, गृह प्रवेश की पूजा आप तभी शुरू कीजिएगा जब वो लोग यहाँ आ जाएंगे। हाँ, और उसके बाद बारात आएगी, फिर शादी होगी। माँ, ये बात तो सुबह से 10 बार कह चुकी है। माँ, अजय और चाचा हमारे साथ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे, और संध्या अपने घर चली जाएगी, है ना? ये सामान भी रख दो। अजय, ये बैंक का मेरा अथॉरिटी लेटर है, वहां मैंने कुछ जेवर जमा करके रखे हैं, उन्हें ले आ। आज संध्या की शादी है, बापू उसका खाली हाथ तो विदा नहीं कर सकता ना। तुम्हारे पास जेवर खरीदने के लिए रुपए कहां से आए बाबूजी? भले ही पेट काट काट कर ही सही, मैंने वो उसके बच्चे का हक जमा करके रखा था, सोचा बेटा हुआ तो बहू को दे दूंगा, बेटी हुई तो उसे विदा करते समय दे दूंगा। तुम बड़े चालाक हो बाबूजी, कन्यादान भले ही मैं करूंगा पर सारा पुण्य तुम ले जाओगे।
तेरी बेटी को लेने आए हैं हम। हम सुहाग हैं। अरे गांव की कौली लड़की कहाँ है? अभी तक इन हाथों में इतना दम है कि तुम जैसे हरामी के पिल्लों का मुंह निकाल दूं। हम इसका सुहाग दिन मनाएंगे। भाग बेटी भाग। बाबूजी बाबूजी, कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग बाबूजी? बताइए बाबूजी। अपनी बहन को बचा ले, अपनी बाबूजी बहन को बचा ले, अपनी बहन को। क्या हो गया श्लोक?
तो मुझसे हमेशा पूछता था ना कि मुझे इस मोहल्ले में चीखने की आवाज सुनाई देती है या नहीं। आज मुझे चीखने की आवाज सुनाई पड़ी है और अब यहां कभी किसी की चीखने की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। को दिया हुआ वचन पूरा नहीं करोगे अजय? संध्या का हाथ मेरे हाथ में देकर कन्यादान कर दो। विदाई का वक्त हो गया अजय। तो फिर यहां चली आई। उधर अजय क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आता, ना खाता है ना पीता है ना किसी से मिलता है। दूसरों की बात तो और मां, वो मुझसे भी मिलने को तैयार नहीं। इसे तू नहीं समझेगा बेटा। मां मैं तो सिर्फ इस बात से डरता हूं कि आज उस रास्ते पर ना निकल पड़े जहां खून की होली होती है। अब इन बातों से क्या फायदा? फायदा नुकसान तो मैं नहीं जानता मां, पर अजय वापस नहीं आए ना तो तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। तू उसके बगैर समाज में कदम नहीं रखी जहां पे मैंने घर बनाया। इस दलदल में फंसी रहेगी मगर अजय का साथ नहीं छोड़ेगी। सच तो ये मां कि भले तूने मुझे जन्म दिया लेकिन मुझसे ज्यादा तो अजय से प्यार करती है ना मां? हाँ, मैं अजय को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती हूँ, ये सच है। उतना ही सच है जितना कि सूरज का पूरब से निकलना। बेटा तूने इन गुंडों बदमाशों और समाज में गंदगी फैलाने वाले ठेकेदारों को देखा है? ये पहला बार इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको अपनी जान ज्यादा प्यारी होती है। पर जब शरीफ आदमी पलट कर खड़ा हो जाता है फिर उससे बड़ा कोई नहीं होता। तब महाप्रलय आता है। अभी तो विनाश लीला की शुरुआत भी नहीं हुई। तू अजय की खामोशी को तीसरी आंख खुलने से पहले की शांति समझ ले बेटा। वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यान्य सन्याति नवानि देही। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है वैसे ही देहधारी अपने पुराने शरीर को त्याग नए शरीर को पाता है। तुम यहां पहुंचे कैसे? उठो, तुम्हारे मरने का वक्त हो गया है। मेरे मरने का वक्त हो गया? नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। मेरी सिक्योरिटी कहां है? सिक्योरिटी! नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो
न शोष्यति मारुता, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। अक्षेद्योयम् अदाह्योयम् अखिलेद्यो अशोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम् सनातनः। ये ना काटा जा सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ये नित्य है, सर्वगत है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। पूरा बंबई अंडरवर्ल्ड जांच कर लिया है, ब्रह्मचारी का खून किसी ने नहीं किया, खूनी अजय है। मेरा हलियाथिरमान, शूट एट साइट। ओके कसेट। May I come in, sir? Come in. Inspector, ये है अजय के shoot at psych order. बिना छानबीन किए? I mean, उसे जिंदा गिरफ्तार करके भी तो लाया जा सकता है। मुर्दा, सिर्फ मुर्दा चाहिए। मौत को जिंदा देखने का शौक किसी को नहीं है। This is my order. ओके सर। तुम मुझे यहां किस खुशी में लाया है? देख, तेरे खिलाफ शूट एट साइट ऑर्डर निकल चुके हैं। ये ले तेरा फर्जी पासपोर्ट, वीजा और टिकट। तू उस फ्लाइट से विदेश निकल जा, बाकी सारा बंदोबस्त मैंने कर दिया। क्यों? विदेश में किसी की मौत नहीं होती। अगर अब तूने बकवास की, तेरी कसम मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये ले, निकल जा प्लीज। हे राम। नहीं अजय, तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुमको सरेआम गोली नहीं मारूंगा। कम ऑन। इंस्पेक्टर, मैं तेरी जान ले लूंगा, लेकिन अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। हटिए आप लोग। जस्ट मोर इंस्पेक्टर। अब से न मैं तुम्हें जानता हूं और ना ही तुम मुझे पहचानते हो। यहां पहुंचाने के बाद कोई भी कानून तुम्हारे बाहर जाने में रुकावट नहीं बन सकता। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा अजय। जाओ और फिर कभी पलट के मत देखना। जाओ अजय।
मंत्री जी, हम प्रेस प्रतिनिधि हैं, कृपया आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दें। अवश्य अवश्य। ब्रह्मचारी जी न पक्ष में थे न विपक्ष में, फिर भी आप उन्हें श्रद्धांजलि देने दिल्ली से यहाँ आए हैं। नेता नेता होता है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। फिर बाहर से देखने में भले हम लोग अलग अलग हैं, पर अंदर से सब एक हैं। इस हत्या के बारे में सरकार क्या सोच रही है? सरकार क्या सोचेगी, हत्यारे ने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? जाहिर है विदेशी ताकतों का। वो विदेशी ताकतें हैं कौन सी? खामोश हो जाइए, वरना वो ताकतें सतर्क हो जाएंगी। मंत्री जी, इस हत्या के पीछे हत्यारे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य? उद्देश्य की बात तो आप इस तरह से कर रहे हैं जैसे मैं हत्यारे को अपने पीछे लेके चल रहा हूँ। क्यों जी, चलिए। कॉन्वॉय जल्दी चलाओ, इस शहर से कोफ्त होने लगी है मुझे। सर ये रही डिपार्चर लिस्ट। अजय देश छोड़कर भाग गया है। मैंने किसी के डर से अपना ट्रांसफर थोड़ी करवाया है। हमारे यहां कागज पे बहुत कुछ होता है और हकीकत में कुछ भी नहीं। उसी तरह ये भी कहीं कागज पे ही तो फरार नहीं हुआ? नहीं सर, अब वो लौट कर कभी नहीं आएगा। वापस चलो। वो भागा नहीं था, अब मरा है। आज ही अपना ट्रांसफर कैंसिल करवाता हूं। बहुत अच्छा किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देश वावर मोहे, शुभ कर्मन्ते कब हूं न टरूं, न डरूं अरस्यू जब जाई लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं।
नहीं, पेट्रोल मत डालना जय।
का भाग, अगर तुझे अर्थी की सवारी मिल गई तो लोग तुझे बड़ा नसीब वाला समझेंगे। बाहर आ जाओ, बाहर निकलो और देखो इक्का का हाल, जिसने नर से बदतर बना दिया औरत जात को। इन सलाखों की गुलामी तोड़कर बाहर आ जाओ। अब तुम किसी इक्का के गुलाम नहीं हो, इन सीटों के बाहर आ जाओ। तुम आजाद हो, आजाद हो, तुम सब आजाद हो। दुनिया की हर औरत घर चाहती है, कोठा नहीं। आगे बढ़ो और खुद अपने हाथों से फूंक डालो इन कोठों को, इस आजादी को आग से मनाओ। ले जला दे इस ताश के महल को। अजय, मैं तेरा मुंह उस वक्त देखूंगी जब तू इस इक्का की चिता जला देगा। आज मैं और ये सारी औरतें तुझे उसके मातृण से मुक्त करती हैं जिसने तुझे जन्म दिया होगा। वरना कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर, मैं समझाऊंगा उसे, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। अजय, अजय बंद करिए आगजनी यार, देख देख पुलिस भी आ गई है। ये आगजनी तो इक्का की चिता चलाने के बाद ही बंद होगी। श्लोक, तू जा यहां से। बंद करो ये सब, वरना जबरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। नहीं, गोली नहीं, अगर अजय को छुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं रोकता ना उसे। अजय, भगवान के लिए रुक जा यार। अजय, इस बच्चे को मुझे बचा। अजय, you
इतनी दोस्ती है, आगे में छोड़ के चला जाएगा। देख, यही मेरा जन्म हुआ था, मरना भी तो यही पता है मेरे भाई। रोएगा तो बहुत मारूंगा तुझे। तू अकेला नहीं मेरे भाई, मां है तेरे साथ। सिर्फ एक मां नहीं, ध्यान से देख, यहां सभी मां है, सभी संध्या है। तू एक दांव खेलेगा मेरे लिए? चाहे क्या खेलने के लिए, एक खेल बाकी है। बड़ी दौलत है तेरे पास, बहुत पैसा है तेरे पास। देख, सब कोठे भूख गए लोग, यहां पे एक ऐसी जगह बना जहां कोई मां अपने बच्चे को जन्म देते ही नाली में ना फेंके, जहां कोई बच्चा अपनी मां से ये ना कहे, मां ग्राहक आ गया। किसी को बाप का नाम उधार में ना लेना पड़े। कोई मां को वैश्य ना कहे, किसी संध्या की इज्जत की बाजी ना खेली जाए। श्लोक वचन दे मुझे, वचन दे मुझे श्लोक। मैं वचन देता हूं अम्मा, प्यास लगी है, प्यास लगी है अम्मा, अम्मा प्यास लगी है। इस गंगा जल का अधिकारी तू जन्म से नहीं, कर्म से बना है पिता। आज मैं तेरी गोद में बहुत गहरी नींद सोने जा रहा हूं, मुझे मत उठाना। हर लम्हा इसकी याद
मेरा बेटा वीर था, एक मकसद के लिए लड़ा और उसको हासिल करके वीर गति को प्राप्त हुआ।